मारना चाहता है, उसने मुझे किडनैप किया, कार में बम है, वो मुझे मार देंगे। बाईस जनवरी 2005, एज रिवेरा बिल्डिंग, सातवीं मंजिल, जुहू, मुंबई। अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर अखबार और दूध के पैकेट तीन दिनों तक इकट्ठा होते रहे। दरवाजे पर ना ताला डला था और ना ही अंदर से पिछले तीन दिनों से कोई बाहर निकला था। जब पड़ोसी इकट्ठा हुए तो उन्हें संदेह हुआ। दरवाजे के पास गए तो सड़न की बदबू से ज्यादा देर वहां रुक नहीं सके। स्थिति संदिग्ध थी तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर जानकारी दी। पुलिस पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला, और फिर जब दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो रोंगटे खड़ी कर देने वाला मंजर आंखों के सामने था। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर थी। परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने के तीन दिन पहले ही हो चुकी थी। खबर मिलते ही घर के नीचे मीडिया के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इनमें कोई रिश्तेदार नहीं था जो इनके शरीर को क्लेम करे। 50 साल की उम्र में खूबसूरत परवीन बाबी की सड़ी हुई लाश मिलने से पूरा देश शॉक में था। ये था चकाचौंध से भरी ग्लैमरस परवीन का दर्दनाक अंत। परवीन को पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी थी। इस बीमारी के चलते उन्हें लगता था कि कभी अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं, तो कभी कहती थी कि अमिताभ ने मुझे किडनैप करवाया। उन्हें वहम होते थे कि लोग उनकी जान लेना चाहते हैं या उनकी गाड़ी में बम है। कभी 6 सालों तक सेट से अचानक गायब हुई तो कभी सेट पर हंगामा किया। उनका बर्ताव इतना बुरा हो चुका था कि एक बार उन्हें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पकड़कर बेड़ियों में बांधकर पागलखाने भेजा गया था। महेश भट्ट ने उनके बीमारी का इलाज करवाना चाहा, लेकिन परवीन ने जिद में उन्हें ही खुद से दूर कर दिया। अकेले रहते हुए परवीन की हालत और बिगड़ गई और आखिरकार अकेलेपन में ही उनकी मौत हो गई। कोई रिश्तेदार शव क्लेम करने नहीं आया तो महेश भट्ट ने ही उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई, जिसमें महेश समेत उनके दो एक्स बॉयफ्रेंड डैनी और कबीर बेदी भी शामिल हुए।